क्रिश्चियन कॉलोनी के बाशिंदों की जिंदगी काफी सीमित है, पढ़ना लिखना खाना पीना और गपियाना। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन वाला स्लॉट सबकी डिक्शनरी में नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए गपियाना ही विशुद्ध देशी मनोरंजन है, जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। एक से बढ़कर एक बकचोद है, और इन सभी महापुरुषों का मानना है कि कॉलोनी में बहुत बकचोद भरे हुए हैं। प्रतिदिन लगभग एक ही सी दिनचर्या होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आना नहीं होता। हर महीने किसी ना किसी परीक्षा का परिणाम का इंतजार होता है, और किसी का अंतिम चयन हो जाए तो ठीक, वरना महावीर की लिट्टी, कामेश्वर और सुनील की चाय और एक दूसरे का वाक कौशल ही भविष्य का सहारा है। आज का दिन भी अपवाद नहीं है। सुबह के 10 बज चुके हैं। रोज की ही तरह कॉलोनी का जीवन सामान्य गति से दौड़ रहा है। महावीर की लिट्टी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। यद्यपि इस लिट्टी और पूड़ियों ने बहुतों के पेट का कबाड़ा कर दिया है, फिर भी जान हथेली पर रखकर लोग दो चार पर तो हाथ साफ कर ही देते हैं। प्रायः चर्चा भी हो जाती है कि पता नहीं महावीर जी सब्जी कैसे बनाते हैं, बंदा ना चाहते हुए भी खिंचा चला आता है। बालाजी, मारू, गोगाजी और बुच्ची बाबू आज भी यथास्थान खड़े पाए गए हैं। वे परवीन की दुकान के सामने वाले पेड़ के नीचे खड़े हुए चाय पी रहे हैं। गहरी मंत्रणा चल रही है शायद। सामने सड़क पर रोज की तरह आवाजाही है। मारू अन्य मित्रों से पूछता है, लिट्टी कौन कौन खाएगा? सभी इनकार कर देते हैं। मारू महावीर की दुकान की ओर चल पड़ता है। दो कदम के रास्ते में ही जान पहचान के एक और सज्जन मिल जाते हैं। का महाराज, लिटिया खाने चल दिए क्या? हाँ महाराज, आप भी आइए, मारू उसी विशिष्ट स्टोर में आमंत्रण देता है। अरे नहीं मारू भैया, आप खाइए, हम तो थोड़ी देर पहले ही निपटे हैं। अपने खिचड़ी बाल संभालते हुए लड़का अपनी बत्तीसी दिखा देता है। तभी सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ एक रिक्शा आकर रुकता है। रिक्शे में से लल्लन पांडे उतरते हैं। एक जींस और टी शर्ट डाटे हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ से कंधे पर एक बैग लटका रखा है। उन्होंने बैग को रिक्शे पर रख दिया। पर्स से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को देने के बाद लल्लन उम्मीद भरी निगाहों से कॉलोनी की तरफ देखने लगते हैं। उन्होंने कॉलोनी पर एक भरपूर निगाह डाली और पेड़ के पास मारू, बाला, गोगा और बुच्ची को देखकर लल्लन का चेहरा खिल उठता है। चारों मित्र भी लल्लन को देख चुके हैं और वे आश्वस्त हैं कि लल्लन यहीं पर आने वाले हैं। लल्लन सड़क पार करके उनकी ओर बढ़े चले हैं। मारू पहले ही लिट्टी खाकर दोबारा से शेष तीनों मित्रों के पास आकर खड़ा हो चुका है। और बब्बा, घर से वापस आ गए? मारू ने लल्लन से कहा। हाँ बब्बा, वापस नहीं आता तो सामने कैसे खड़ा होता? लल्लन खिलखिलाकर हंस दिए और उन्होंने आगे बढ़कर एक एक करके चारों लोगों से हाथ मिलाया। घर पर सब ठीक ठाक है लल्लन भाई? बाला ने सवाल पूछा। हाँ बाला भाई, घर पर सब ठीक है, लेकिन साला अब तो कॉलोनी अपना दूसरा घर हो चली है। माता पिता से मिलना ना हो तो घर जाने की नौबत ही ना आए, बुच्ची ने लल्लन की बात के समर्थन में कहा। सही कह रहे हो लल्लन भाई, घर जाकर करे भी तो क्या करें, अब तो शर्म भी आने लगी है, हमारे पास कुछ कहने को तो है नहीं। हाँ यह बात तो है कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, अब तो हमारे सामने जो छोटे छोटे बच्चे थे वे सभी बड़े हो गए हैं। कोई अपनी उम्र का लौंडा लफाड़ी घर पर खाली मिलता ही नहीं है, गोगा ने बात आगे बढ़ाई। वही तो यार गोगा, ललन ने कहा। अब बाला ने मुंह खोला। एलियन से फील होता है, और ये साले पड़ोसी और रिश्तेदार तो और भी दुश्मन बनकर बैठे रहते हैं। घर वाले चाहे भले ना पूछे, लेकिन इन्हें जरूर पूछना होता है कि कुछ हुआ या नहीं। खून खौल उठता है, जबकि भैया सब कुछ पता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है। अरे अगर हो जाता तो तुम्हें भी पता लगता ना, लेकिन फिर भी जानबूझकर छेड़ना ही छेड़ना है। मारू ने गहरी सांस लेते हुए और लल्लन की ओर मुखातिब होकर बात आगे बढ़ाई। इसलिए भी घर जाना अच्छा नहीं लगता,
किस किस के सवालों के जवाब दें यार, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और सिविल के चक्कर में हम सब बहुत पीछे हो गए। बस मेहनत ही तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे हाथ में नहीं, भाग्य तो हमने नहीं लिखा ना। बुच्ची ने यह बात बेहद गंभीरता से कही है। बुच्ची, तुम भाग्य पर भरोसा करते हो? मारू ने प्रश्न किया। हाँ बिल्कुल करता हूं भाई, बात केवल यह नहीं है कि अब तक मेरा चयन नहीं हुआ है, पर दोस्त मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। जब कमरे से बाहर होता हूं तो बस केवल वही समय होता है जबकि मैं अध्ययन नहीं कर रहा होता हूं, बुच्ची ने गंभीरता से स्पष्ट किया। बुच्ची, मैं समझता हूं भाई, हम सभी फंस चुके हैं, हमारी मंजिलें क्या हैं कोई नहीं जानता, फिर भी मेरा मत है कि सफलता की राह में हो सकता है कि हमारी कोई गलती रह जाती हो। मारू ने अपना मत व्यक्त किया। गोगा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, अरे भाई छोड़ो आप लोग, मुख्य बात सिर्फ यह है कि हमारे पास अपने घर वालों और पड़ोसियों से कहने के लिए कुछ नहीं है। सही बात कहते हो यार गोगा, क्या कहें, लेकिन तुम में से किसी का चयन अगर आईएएस या पीसीएस में हो गया तो इन्हीं पड़ोसियों के सीने पर सांप लौटने लगेंगे। बाला ने बात आगे बढ़ाई। एकदम ठीक बाला, पता नहीं सालों को अपने काम से काम रखने में क्या समस्या है। मुझे तो लगता है कि ये लोग इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि कंफर्म हो सके कि कहीं चयन तो नहीं हो गया है। इसी पूछताछ की वजह से घर जाने को मन नहीं करता, गोगा ने चाय का कप फेंकते हुए कहा। सच बात तो यही है दोस्तों कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए। यहाँ इस कॉलोनी में एक दूसरे को देखकर समय खुशी खुशी बीत जाता है, वरना घर पर तो लोग हमें रहने ही ना दें, मारू ने कहा। हाँ यहाँ हमारी उम्र अधिक होने के बाद भी इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि सभी एक ही कश्ती के सवार हैं, बुच्ची ने बात पूरी की। कभी कभी कॉलोनी मीडिया में छा जाती है, कॉलोनी से प्रतिवर्ष कुछ लोग तो सफल होते ही हैं। पहले ये संख्या अच्छी खासी होती थी लेकिन समय के साथ संख्या कम हो गई है। कभी कभी एक दो व्यक्ति सफल होते हैं तो कभी एक भी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मीडिया की नजर कॉलोनी पर पड़ गई थी, तब कॉलोनी के ऊपर एक समाचार पत्र में बड़ा सा लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था कब्र से निकलते नौकरशाह। दरअसल क्रिश्चियन कॉलोनी से पहले यहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था, धीरे धीरे कब्रिस्तान छोटा होता गया और कॉलोनी बड़ी होती गई। आज भी कॉलोनी के बी ब्लॉक की छतों से कब्रिस्तान और कब्रें दिखाई देती हैं। कॉलोनी में एक कहावत भी है कि पहले यह भूमि धार्मिक कारणों से एक पादरी के पास थी, धीरे धीरे भूमि पर अतिक्रमण हुआ और पादरी से जमीन छीन ली गई। यह तथाकथित पादरी कॉलोनी में ही रहते हैं और अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। कहा जाता है कि उनका मुकदमा आज भी चल रहा है जिसे धन कुबेर उन्हें जीतने नहीं देते। उनका अपना घर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सच क्या है कोई नहीं जानता, पर इतना अवश्य है कि यह सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी एक अभ्यर्थी से दूसरे अभ्यर्थी तक स्थानांतरित होती रहती है। तो कॉलोनी से प्रशासक चुने जाते हैं, संख्या कम या ज्यादा होती रहती है, अन्य क्षेत्रों के लोग भी यहां रहकर पढ़ाई करते हैं लेकिन फिलहाल इनकी संख्या काफी कम है। ये लोग भी धीरे धीरे सफल होकर यहां से निकलते रहते हैं। शायद यही वजह है कि सभी अभ्यर्थियों में यहां की समस्याओं से लड़ने की हिम्मत आई जाती है। यहां असफल होकर भी आप निराश नहीं हो सकते, बस मेहनत करते रहिए। मित्र मंडलियां खूब जमती हैं लेकिन अध्ययन कार्य भी खूब होता है। ये लोग प्रायः मेडिकल साइंस को मुंह चिढ़ाते हुए मात्र 3-4 या 5 घंटे की नींद लेकर भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं और छोटी मोटी बीमारी के लिए आसपास के सस्ते या सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते हैं। यदि समस्या थोड़ी बड़ी है तो पास में ही हंस चैरिटेबल अस्पताल है और यदि समस्या और भी बड़ी है तो परमानंद अस्पताल या हिंदू राव की ओर रुख किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ रहने वाले ये लोग कभी कभी लगातार असफलता के चलते भी बीमार हो जाते हैं। ज्यादातर अस्पतालों में समस्या सुनने के बाद डॉक्टर खुद ही बोल देता है, क्रिश्चियन कॉलोनी से हो जाओ, ज्यादा टेंशन न लिया करो, तुम एकदम ठीक हो। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 20
संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।